साधारण बात
ओम शांति। ओम शांति। टुडे द थीम इज पीस। आज का थीम शांति है। द टॉपिक इज और विषय है शांति हमारे गले का हार है। मुरली में बाबा हमें रानी की कहानी बताते हैं, जो मोतियों का हार हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसके गले में ही था। इसी प्रकार भगत भी शांति ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, सत्संगों में, गुरु आदि के पास, लेकिन शांति हमारा असली स्वधर्म है। और हमारा मंत्र ओम शांति हमें याद दिलाता है कि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हम अपनी शांति को खो देते हैं जब हम क्रोध में आते हैं, चिंता करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, या किसी से ईर्ष्या करते हैं, या फिर कोई सूक्ष्म या स्थूल विकार। जो आत्माएं कमजोर होती हैं, वे अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों से प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान हमें मदद करता है कि हम नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया ना दें। योग हमें विकारों पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। तो आत्माओं पर क्रोध करने के बजाय हम उन पर रहम करते हैं। जो कार्य कुशल नहीं होती, तीव्र नहीं है और हमारे डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ज्ञान के आरंभ में जब हम सशक्त नहीं होते तो हम परिस्थितियों से, लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं और रिएक्ट नहीं करते, लेकिन शांति में बैठना है और स्वयं को याद दिलाना है ओम शांति। और जब आप शांत अवस्था में हो तभी उन लोगों से बात करें, एकदम से नहीं, नहीं तो कई बार हम उसी पल प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन हमें शांति में बैठना चाहिए और शांति से, मधुरता से उन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। मेडिटेशन हमें रिलैक्स होने में मदद करता है और लोगों के साथ धैर्यता पूर्वक पेश आने में मदद करेगा, ताकि तनाव का कोई चांस न रहे। ड्रामा और कर्म के पट्टे पर अचल अडोल रहकर हम लोगों की गतिविधियों के प्रति साक्षी रहते हैं और सवाल नहीं उठाते, प्रतिक्रिया नहीं देते। यदि हम बाबा को अपने साथी के रूप में रखते हैं तो हम किसी बात में भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि लोग अंधेरे से, जानवरों से, चोरों के आक्रमण से, बीमार होने आदि से डरते हैं। बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान के टाइटल दिए हैं। एक बार हम उन स्वमानों का स्वरूप बन जाएं, तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी। अपने रूहानी भाइयों से रूहानी प्रेम रखने से हमें उनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करने में मदद मिलती है। मददगार हम सहयोगी बनते हैं और आपस में कोई नफरत, जातिवाद, वैर, ईर्ष्या आदि नहीं होती। बाबा के साथ गहरा संबंध रखने से, केवल एक बाबा को सहारा बनाने से, हम लौकिक और अलौकिक संबंधियों से अनासक्त न्यारे हो जाएंगे। और सभी विकारों से और अशांति से बचने के लिए सदा
आत्म अभिमानी अवस्था का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। तो ओम शांति के मंत्र को अपने मन में रखें और उस मंत्र में स्थित हो जाएं। न केवल इसे बोलना है लेकिन स्थित होना है। ओम शांति के मंत्र में मैं शांत स्वरूप हूँ, स्वयं को बार बार याद दिलवाना है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।